कारागार के सामने जहां मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा उन्नीस के आसपास इसी आवास में रहते थे जो पीछे का आवास देख रहा है। इसी आवास में रहकर अपने पिताजी के साथ रहते थे और लक्ष्मीराज इंटर कॉलेज यानी एलडी कॉलेज में वो पढ़ाई करते थे वो अभी 19 अगस्त 2022 को जो बलिया बलिदान दिवस का कार्यक्रम आयोजित हुआ उसमें वह मुख्यमंत्री जी के साथ दिखे हालांकि मुख्यमंत्री जी जैसे ही वो हेलीपैड से अन्य कार्यक्रम पर रवाना हुए उसके बाद प्रमुख सचिव जिला अधिकारी कप्तान मंत्री लोग के साथ यहाँ आए और अपनी पुरानी यादों को ताज़ा किया इस आवास में करीब आधा घंटा तक रहे और चाय वगैरह पिए और उन्होंने दिल से कहा कि ये वही कमरा है जहां हम अपने पिता के साथ रह के पढ़ते थे चारों तरफ उन्होंने अपनी निगाह दौड़ाई उस जगह पे गए जहां वो पढ़ते थे जहां वो खेलते थे जहां वो लोगों के साथ अपनी बातें कहते थे उस जगह पे उस एरिया में भी आप देख सकते हैं चारों तरफ ये अपनी जिला जेल के सामने का दृश्य है तो यहाँ दुर्गा शंकर मिश्रा जो मुख्य सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन में वो यहाँ 19 अगस्त 2022 यानी आज 22 है तीन दिन पहले यहाँ आए थे उन्होंने उसके बाद एल कॉलेज गए वहाँ पे भी उन्होंने कहा वो वही कमरा है जिस कमरे में मैं उन्नीस और तिहत्तर के आसपास पढ़ता था उन्होंने अपने भाई का भी उदाहरण दिया कि वही कमरा है वही जगह है ये वही एलडी कॉलेज है जहाँ क्लास सिक्स से ले लेकर इंटर तक की पढ़ाई हमारे छोटे भाई ने की थी आज वो एक उत्तर प्रदेश में बड़े लेवल पे एक अधिकारी भी हैं तो बलिया ने बहुत कुछ दिया है शिक्षा के क्षेत्र में राजनीति के क्षेत्र में हर क्षेत्र में बलिया आगे रहा है चाहे बगावत की बात कर ले चाहे राजनीति की बात कर ले या फिर प्रशासनिक सेवा की बात कर ले हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं बलिया एक नाम कमाया है पूरे विश्व में देश की बात कर लें फिर हम आपसे जुड़ेंगे बस इतना ही देखते रहे बलिया आजकल मैं रोशन नमस्कार